Hello everyone, welcome to my channel The Kitchen's World of Recipes. आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ अरबी फ्राई की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरबी फ्राई बनाने के लिए हमें ये सभी चीजें चाहिए होंगी, तो यहाँ पर मेरे पास है अरबी जिसे मैंने बॉईल कर लिया है और लंबाई में कट कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे और इसे गर्म करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल और इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई। यदि आप लहसुन पसंद करते हैं तो इसमें आप थोड़ा सा लहसुन काट कर डाल सकते हैं। अब हम इसमें अपनी अरबी को डाल देंगे। यदि अरबी आपस में चिपकी हुई है तो इन्हें सेपरेट कर देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। इन्हें हम हल्के हाथों से चलाएंगे। अब हम इन्हें एक साइड से सिकने देंगे। जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। ये देखिए, इनका कलर हल्का गोल्डन हो गया है। अरबी के सभी पीसेस को हम पलट देंगे। सभी पीसेस को पलटने के बाद इसे हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इन्हें हमें कवर नहीं करना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। 3 मिनट हो चुके हैं, हम अरबी को फिर से पलट देंगे। इसी तरह से हमें इन्हें पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। हमारे अरबी अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई हैं, अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1/4 छोटी चम्मच हल्दी ऐड करेंगे, फिर हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच धना पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अरबी को हम बहुत ही हल्के हाथों से चलाएंगे। सभी मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम अरबी को 2 से 3 मिनट के लिए फिर से कुक होने देंगे। अरबी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और ये दोनों साइड से क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप किया हुआ हरा धना और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर लगभग 1/4 छोटी चम्मच और इसे भी हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। यदि आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। फाइनली हमारी अरबी फ्राई बनकर रेडी है। ये बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी है। अब हम अरबी को एक सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। आप सब भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप अपने फीडबैक या सजेशंस नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसी और भी मज़ेदार रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।